गाइस दिस कुशाग, वेलकम टू कुशाग सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो गाइस आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 7 का पार्ट 2। सो ये ट्रायंगल चैप्टर में के पार्ट 1 को हमने कंप्लीट कर चुके हैं। सो अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरे आई बटन पर क्लिक करिए और वहाँ से जाके देख लीजिए। सो ये है पार्ट 2। पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 और एक्सरसाइज 7.4 हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, क्या देखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 7.3, सो ये एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है हमें एंगल ए बी सी दे रखा है हमें एंगल ए बी सी एंड एंगल डी बी सी। दो एंगल दे रखे हैं, एक ए बी सी और डी बी सी। सो आर टू आइजो स्केल, ये क्या है, दो आइजो स्केल हैं ट्राइंगल की। सो ऑन द सेम बेस, इनका सेम बेस है बी सी एंड वर्टिक्स है, वर्टिक्स भी सेम है, क्या है ए और डी है ना, आर ए और डी आर वर्टिक्स ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ये जो वर्टिक्स हैं ए डी ये सेम साइड पर हैं, बी सेम साइड पर हैं किसकी, बी सी की सेम साइड पर हैं। सी फिगर, हमें एक फिगर दे रखा है, इफ ए डी फिगर अभी बनाएंगे, इफ ए डी, ए डी जो है ए डी इज एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी शो डैट। अब यहाँ पे क्या दे रखा, हमें क्या करना है, इफ ए डी, ए डी जो है ए डी इज एक्सटेंडेड, क्या है ये एक्सटेंडेड है अब टू इंटरसेक्ट, हमें इंटरसेक्ट है ये इंटरसेक्ट किसके इंटरसेक्ट, बी सी एट पी, शो करना है, शो डेट हमें किस किस को शो करना है, हमें फर्स्ट दे रखे हैं यहाँ पे ए बी डी, ए बी डी इज इक्वल्स टू ए सी डी और ए बी पी इज इक्वल्स टू ए सी पी, ये करना है हमें। पहले में क्या है ए डी, पहले में क्या दरका है डी और दूसरे में क्या दरका है यहाँ पे हमें पी। सो पहले हम डी लगा देंगे, जैसे फर्स्ट वाला है वैसे सेकंड वाला भी होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में क्या लग जाएगा, सिर्फ डी लगेगा है ना, फर्स्ट वाले में सिर्फ डी लग जाएगा अब, और सेकंड वाले में क्या लग जाएगा, फर्स्ट वाले में डी और सेकंड वाले में पी लग जाएगा। सो यहाँ पे हम फर्स्ट पहले फिगर बना लेते हैं, फिगर में क्या देखते हैं हमें, फिगर हमें ये ऐसे ट्राइंगल एक बना हुआ है, ये नहीं है ऐसे, ये बना हुआ ट्राइंगल ये बना हुआ है, यहाँ पे एक लाइन है, ये लाइन जा रही है ऐसे करके, ये जा रही है, ये इधर से ऐसे जा रही है। सो देखिए ये हो गया, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, यहाँ पे डी लिखा हुआ है और यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ठीक है ये दे रखकर डी और पी भी लिखे हुए हैं समय। सो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ए डी, ए डी इज इक्वल्स टू डी ए, ये करना है हमें ए बी, क्योंकि यहाँ पे क्या है डी, अगर पी होता इक्वल्स टू यहाँ लगा देते पी होता तो ए पी इज इक्वल्स टू पी ए ये होता। सो यहाँ पे ये हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी भी होगा, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बी और सी बी, बी बी और सी बी तो कुछ करेंगे, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी ये हो गया। अब पी नहीं लगाना है हमें, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि पी क्या है इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा, डी का दे रखा है। तो ठीक है अब ये हो गया, अब इससे बनेगा क्या, इन सबसे बनेगा क्या, क्या बनेगा ए बी डी और ए सी डी, यही तो बनेगा, ए बी डी बनेगा और ए सी डी ये वाले एंगल बनेगा, एंगल बना यहाँ पे एंगल ए बी डी और ए सी डी ये बना, ठीक है ये हो गया। अब हमें क्या बनाना था यहाँ पे, एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी हमें यहाँ पे बनाना था, सो ये बन गया। अब आते हैं फर्स्ट वाला, तो ये हो गया, अब सेकंड वाला, सेकंड वाले में क्या दे रखा है, सेकंड वाले में हमें होगा ए पी इज इक्वल्स टू पी ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी पी, बी पी इज इक्वल्स टू सी पी ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, यहाँ बनेगा एंगल, एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू ए सी पी ये बन जाएगा, बन गया एंगल, सो ये बन गया।
अब यहाँ पे देखिए ये भी बन गया, यहाँ पे सेकंड वाला भी हो गया। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या देखता है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या देखता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखता है ए डी इज एन एल्टीट्यूड, ए डी जो है वो क्या है, एल्टीट्यूड है ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल जो है ए बी सी, इन विच ए बी इज इक्वल्स टू ए सी शो डेट, हमें शो करना है ए डी बाइसेक्ट है बी सी के एंड ए डी बाइसेक्ट है ए के। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले तो ए डी बाइसेक्ट बी सी वाला, ए डी बाइसेक्ट बी सी कैसे है। सो यहाँ पे एक फिगर बनाना पड़ेगा, उसके लिए फिगर में क्या है, ट्राइंगल का फिगर है, तो ट्राइंगल का फिगर फिगर ये है, ये फिगर है दे रखा है यहाँ पे, सही से नहीं बन रहा है। हाँ अब बन गया। सो ये है, ये हमें फिगर में दे रखा है यहाँ पे ऐसा करके, ये 180 डिग्री का पूरा एंगल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो एक साथ जुड़े हुए हैं ना, तो 180 डिग्री का पूरा एंगल है। यहाँ पे दे रखा है ए, यहाँ पे दे रखा है बी, यहाँ पे बी दे रखा है, सॉरी बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ऐसे ये बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ए डी बी जो है, ए डी बी और ए डी सी, ए बी, अब यहाँ पे आप कहेंगे डी, डी कहाँ से आ गया, डी कैसे आ गया, क्योंकि ए डी बाइसेक्ट बी सी करना है ना, तो यहाँ पे एंगल बन जाएगा, एंगल ए डी, ए डी बी और एंगल बनेगा ए डी, ए सॉरी ए पहले आएगा ए डी सी, ये बन गया। अब ये हो गया, अब इससे क्या बनना है, हमारा क्या बनाना था हमें, ए डी और बी सी, ए डी और बी सी, पर यहाँ पे क्या है बी, ए डी तो है बी सी नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सो ए डी इज इक्वल्स टू डी ओ वाला करना पड़ेगा, ए डी इज इक्वल्स टू डी ए, सॉरी डी ए, क्योंकि सब में क्या दे रखा है ए डी, पहले भी ए डी बाद में भी ए डी, सो ये डी ए डी इज इक्वल्स टू डी ए, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा हमारा ए बी डी, यहाँ पे ए बी डी बनेगा और यहाँ पे ए सी डी, ए सी डी बनेगा, ए बी डी एंगल ए बी डी, अरे एंगल ए ए सी डी बन जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ए बी डी और ए सी डी बना, अब अभी नहीं बना क्योंकि क्यों बनेगा, ए डी और ए डी करना था और ए और बी सी करना था, ए डी और बी सी करना था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या करना है हमें, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, क्या करना है, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी करेंगे जब ही आएगा, बी डी इज इक्वल्स टू यहाँ कर लेते हैं बी डी, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, ये हो गया, ठीक है, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, ये आ गया। अब इससे बनेगा कैसे, इससे कैसे बनेगा, अब आप देखिए इससे कैसे होगा, अब चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी है, अब यहाँ पे क्या है, ए तो कंपल्सरी आया जा रहा है, सो यहाँ क्या रहेगा, बी सी, ये हो गया बी और सी, ये हो गए बी सी और ए डी हो गया, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी बाइसेक्ट्स हो गया, ए डी इज इक्वल्स टू सी डी आ गया, बी सी आ गया, ठीक है, सो ए डी बाइसेक्ट हो गया बी सी के, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं, अब ये तो हो गया फर्स्ट वाला, अब आते हैं सेकेंड पर, अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर, सेकंड के और सेकंड वाले क्वेश्चन पर, ए डी बाइसेक्ट ए, अब है बाइसेक्ट, क्यों है, क्योंकि यहाँ ए डी इज इक्वल्स टू डी ए है, तो ए और डी तो सेम आ रहे हैं हर हर क्वेश्चन पे, पहले हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था, सो ए डी ए डी ए डी इज इक्वल्स टू डी आ रहा था, तो ए और डी बाइसेक्ट्स हैं एंगल ए के। अब किसी को नहीं पता है ए डी इज इक्वल्स टू डी ए के बारे में, तो पार्ट फर्स्ट में जाइए और पार्ट बस में जाके देख लीजिए। सो अब ये हो गया, ठीक है, इसमें से ये भी क्वेश्चन नंबर टू भी हो गया। अब आते हैं एक्सरसाइज 7.4 पर, 7.4 एक्सरसाइज पर आते हैं, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज सेकंड 7.4 में क्या देखकर, एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सो डैट इन ए राइट एंगल, शो डैट हमें शो करना है इन ए राइट एंगल, राइट एंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल तो है पर राइट साइड का ट्राइंगल है,
है ना। फिर द हाइपोथेनसिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, अब इसमें से बताना है कौन सी हाइपोथेनसिस लॉन्ग साइड है इसमें से। तो पहले तो हम देखते हैं कौन सा राइट एंगल क्या होता है। यहाँ पे ये ऐसा बना हुआ दे रखा है, यहाँ पे हमें ये देखिए ये ऐसे ये होता है ठीक है। यहाँ पे फिर लिखा हुआ है यहाँ पे बी, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का सी, और यहाँ पे क्या है ए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कर लेते हैं एंगल यहाँ पे हम करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हो जाएगा ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री का एंगल आएगा ठीक है। और यहाँ पे क्या है 90 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे तो 90 डिग्री दे रखा है, बी दे रखा है ना 90 डिग्री, बी यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे जो है ये इनमें से बड़ा कौन सा होगा, अब इन ये 90 डिग्री है, इन दोनों को मिला के ये तो 90 डिग्री मिलेगा, आधा ये 90 डिग्री का आधा ये, सो इन दोनों को मिला के 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री। सो ये छोटे हैं 90 डिग्री से, 90 डिग्री से छोटे हैं, यानी कि ये जो है एंगल ए जो है वो एंगल बी से क्या है छोटा है। सो बड़ा कौन सा है एंगल बी, और यहाँ पे जो है यहाँ पे कौन सा बड़ा है, यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी में से कौन सा बड़ा है, एंगल बी बड़ा है ना। सो यहाँ पे क्या है लॉन्गेस्ट हाइपोथेनसिस कौन सी हुई, एंगल बी वाली लॉन्गेस्ट हाइपोथेनसिस हुई एंगल बी वाली ठीक है। ये हो गया, अब ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या रखा है यहाँ पे हमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है हमें इन द गिवन फिगर, हमें एक फिगर दे रखा है साइड ए बी, साइड ए बी जो है एंड ए सी, और ए सी जो है ऑफ एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी की साइड जो है ए बी एंड ए सी साइड है, एंगल एक एंगल है ए बी सी है ना, आर ए बी सी एंगल जो है आर एक्स एक्सटेंडेड है, क्या है एक्सटेंडेड है टू पॉइंट, पॉइंट दे रखे हैं पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, आल्सो पी एंगल पी बी सी, आल्सो एंगल पी बी सी बड़ा है एंगल पी बी सी एंगल क्यू क्यू सी बी, यहाँ पे जो एंगल पी बी सी दे रखा है वो एंगल छोटा है किस एंगल से, क्यू सी बी से ठीक है। सो डेट ए सी ए सी ए सी और ए बी, अब ए सी और ए बी दे रखा है, ए सी क्या है बड़ा है ए बी से, ए सी बड़ा है ए सी बी ए बी के, तो ठीक है। अब फिगर देखते हैं हम, फिगर में क्या दे रखा है, ये देखिए ये फिगर दे रखा है हमें, यहाँ पे देखिए ऐसे ये फिगर दे रखा है, ये फिगर बना लेते हैं हम, ये फिगर ये ऐसे ये बना हुआ है बी, यहाँ पे लिखा हुआ है बी, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सी, यहाँ पे लिखा हुआ है ये पॉइंट लगा हुआ है क्यू, यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे पी, ये ऐसे फिगर दे रखा है हमें ठीक है। ये तो हमें फिगर दे रखा है, अब बात करते हैं हम कैसे क्वेश्चन को इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, बड़ा है बड़ा कौन सा है पी वो क्यू सी बी और बड़ा कौन सा है ए सी है ना, ये दे रखा था ना। सो यहाँ पे ए बी सी एंगल भी दे रखा था, तो यहाँ पे ए बी सी एंगल जो दे रखा था हमें, ए बी सी एंगल दे रखा था ना, ए बी सी एंगल जो दे रखा था प्लस एंगल पी बी सी, प्लस करेंगे हम एंगल पी बी सी को इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा ठीक है। अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे एंगल ए बी सी को, ओ सॉरी ए सी बी को, ए सी बी को प्लस करेंगे किससे हम, किससे एंगल क्यू क्यू पी बी सी, क्यू क्या कहते क्या दे रखा है क्यू सी बी, ये दे रखा था इक्वल्स टू 180 डिग्री आया, 180 डिग्री आएगा ठीक है, ये भी क्या आएगा 180 डिग्री ही आएगा। अब ये हो गया, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एंगल पी बी सी जो है वो छोटा है एंगल किससे, एंगल क्यू सी बी से,
QCB से, और क्या है QCB बड़ा है। अब ये हो गया, सो यहाँ पे A, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो A एंगल ABC है, ABC वो भी क्या होगा, छोटा होगा किससे, एंगल ACP से ही छोटा होगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये हो गया, अब इसमें क्या है, तो ये AB दे रखा है, यहाँ AC, तो AC क्या बड़ा था, AC जो था, AC हमारा क्या था, बड़ा था, AC जो था वो हमारा बड़ा था AB से, और यहाँ पे PBC जो था वो बड़ा था QCB से। अब ये क्लियर हो गया, ठीक है। सो इसके साथ साथ ये हमारा पार्ट भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।